अब आपको बताते हैं कि विश्व युद्ध का नाम सुनते ही दुनिया क्यों खौफ से भर जाती है। पहले विश्व युद्ध में 1,76,00,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, वहीं दूसरे विश्व युद्ध में 8 करोड़ लोग मारे जा चुके हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो दुनिया के नक्शे से कई देश मिट जाएंगे और यही वजह है कि दुनिया सहम चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बार बार रूस को यह चेतावनी देते रहे कि पुतिन नेटो देशों पर हमला करने का जोखिम बिल्कुल भी ना उठाएं। लेकिन पुतिन जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने यूक्रेन को धमकी दी और यूक्रेन पर हमला भी किया। यूक्रेन के बाद लिथुआनिया में पुतिन के हमले की तलवार लटक रही है, क्योंकि लिथुआनिया ने रूस के साथ साथ चीन के साथ भी दुश्मनी ले ली है। लिथुआनिया जिसने ताइवान के साथ अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए और ताइवान भी लिथुआनिया में निवेश कर रहा है, और ऐसे में नाराज होकर चीन ने लिथुआनिया से अपने संबंध तोड़ दिए हैं। और यही वजह है कि शी जिनपिंग भी लिथुआनिया को सबक सिखाना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर पुतिन एस्टोनिया लात्विया और लिथुआनिया पर हमला करेंगे कैसे, क्योंकि खुद अमेरिका और नेटो देश इन तीनों देशों की सुरक्षा करते हैं। और इसके लिए बाल्टिक सागर में मौजूद गोथलैंड द्वीप की लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। गोथलैंड में नेटो देशों ने रडार लगा रखे हैं, जिसकी वजह से एस्टोनिया लात्विया और लिथुआनिया की सुरक्षा होती है। गोथलैंड पर स्वीडन का अधिकार है और यही वजह है कि पुतिन लगातार स्वीडन को भी धमका रहे हैं। स्वीडन भी नेटो की मेंबरशिप लेना चाहता है, लेकिन पुतिन इसे बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। दुनिया की निगाहें पुतिन पर है कि यूक्रेन पे अगर काबू कर लेते हैं पुतिन तो अगला टारगेट क्या होगा। रूस के जो सरकारी चैनल है वहां पे एक डिबेट है और उस डिबेट के जरिए रूस के पूर्व अधिकारी ये दावा करते हैं कि उनकी अगली प्लानिंग और पुतिन की अगली प्लानिंग क्या है। पुतिन की अगली प्लानिंग में ये तीन देश है, मैं आपको बताती हूँ, एस्टोनिया लात्विया लिथुआनिया, ये तीन देश है जहां पे नेटो का प्रभाव है। लेकिन अब इन्हीं तीनों देशों पे अगला टारगेट है पुतिन का। ये मैप में बेलारूस के बारे में आपको पूरी कहानी पता है इस यूक्रेन युद्ध के दौरान। पोलैंड की क्या भूमिका है ये भी आपको मालूम है, लेकिन एक कॉरिडोर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये कॉरिडोर दरअसल कैलिनग्राड, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे प्रभाव रूस का है, यहाँ रूस के प्रभावित लोग हैं और यहाँ पे रूस की फौज यहाँ पे पहले से मौजूद है, उसकी सैन्य ताकत पहले से मौजूद है। यानी इन तीनों देशों को अगर टारगेट करना है तो बहुत आराम से हो जाएगा। ये स्वाल्की कॉरिडोर जो है वो पोलैंड और कैलिनग्राड को ये लिंक करता है, ये भी टारगेट में है। पुतिन जो प्लानिंग कर रहे हैं, अगर वो जमीन पर उतरती है तो ये मानकर चलिए कि जिस तीसरे विश्व युद्ध को दुनिया टालना चाहती है उसका टलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इसके लिए जिम्मेदार होंगे पुतिन। इस तीसरे विश्व युद्ध के लिए अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और नेटो भी जिम्मेदार होंगे, जो पुतिन पर दबाव बनाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। रूस आज भी पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। दुनिया के इतिहास में भी रूस हमेशा से यूरोप के लिए चुनौती रहा। रूस का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि हिटलर भी रूस को हरा नहीं सका। पुतिन भी जानते हैं कि रूस की ताकत से लोहा लेना आसान नहीं है, इसलिए वो खुलकर मनमानी पर आमादा है। युद्ध का आज 26वां दिन है और इन 26 दिनों में महायुद्ध से जुड़ी कई बर्बादी की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को परमाणु युद्ध होने पर किस तरह से सेना ने सामना करने का और साथ ही इसका अभ्यास करने का, इससे तैयार रहने का, इससे निपटने का आदेश दिया है कि तैयार रहिए अगर परमाणु युद्ध यहां पर होता है। यानी कि परमाणु युद्ध की आशंका से वो पीछे नहीं हट रहे हैं। परमाणु युद्ध यानी कि एक ऐसी स्थिति जब बर्बादी की एक और नई तस्वीर यहां पर सामने आएगी और यूक्रेन पर हो सकता है परमाणु हमला। पुतिन का रूस की सेना को यह आदेश यहां पर सामने आया है, परमाणु युद्ध से निपटने को तैयार रहे। यानी कि अपनी सेना को जहां एक तरफ रूसी हमले और तेज करने के लिए वो लगातार आगे कह रहे हैं, आदेश उसके दे रहे हैं, तो वो दूसरी तरफ परमाणु युद्ध होने पर सतर्क रहने और साथ ही इसके लिए तैयार रहने का भी आदेश यहां पर दिया गया है। बेलारूस के रूसी सैनिकों की मदद करने की खबर सामने आने के बाद कुछ यूक्रेनी महिलाओं ने भी जंग में रूसी फौज से लोहा लेने का ऐलान कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आ चुका है। इस वीडियो में 5 महिलाएं हथियारों के साथ नजर आईं।
जिसमें इन्होंने अपने मुल्क में हो रही रूसी बमबारी का मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है। ये उन्हीं पांच महिलाओं की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये यूक्रेनी योद्धा है और ये योद्धा लड़ना चाहती है रूसी फौज से, रूसी सेना से, क्योंकि इनके जहन में एक ही बात है कि इन्हें अपने मुल्क को आजाद ही रखना है, चाहे इसके लिए इसकी कीमत उनकी जान ही क्यों नहीं हो। ये पांच महिलाओं की तस्वीरें जो रूसी सैनिकों और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आंखों में आंखें डालकर यह ऐलान कर रही है कि हम युद्ध के मैदान में खड़े। तो 24 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक अगर दिन गिनेंगे तो 26वां दिन है इस महायुद्ध का। कितनी तस्वीरें बर्बादी को लेकर यूक्रेन के शहर शहर से सामने आई है, उसी से जुड़ी एक और तस्वीर यहां पर दिखाते हैं। हालांकि ये तस्वीर जो है वो खेरसोन से सामने आई है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से रूस के काफिले को रोकने के लिए, उनकी सैन्य ताकत को रोकने के लिए खेरसोन के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। खेरसोन को खंडहर बनाने की जो पूरी तरह से तस्वीर बदलती हुई नजर आई है रूसी सेना के हमले से, जहां पर जमीन से लेकर आसमान तक कहीं से भी आग के गोले और मौत यहां पर बरस रही है। इस बीच देखिए किस तरह से खेरसोन में लोग बड़ी संख्या में उतरे सड़कों पर और यहां पर रूस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, प्रदर्शन करते हुए इस वीडियो के जरिए आपको नजर आ रहे होंगे। क्यू पर रूसी सेना की बरसती कहर का सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन यूक्रेन के जाबाज क्यू के किले को न सिर्फ ढहने की बचा रहे हैं बल्कि क्यू पर रूसी सेना हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। रिपोर्ट देखिए आप। कीव का किला, कीव पर भीषण प्रहार, फिर भी रूस नाकाम। कब्जे की जंग हुई तेज, कीव के लड़ाके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस हकीकत से अनजान नहीं है कि भले ही रूसी फौज पूरे यूक्रेन पर कब्जा जमा ले, लेकिन जब तक वो कीव पर अपना परचम नहीं लहरा देती तब तक उनकी जीत अधूरी है। लिहाजा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी कीव को बचाने की जंग जारी रखे हुए हैं। रूसी फौज पहले ही दिन से यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए बेकरार थी, लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ भी व्लादिमीर पुतिन का कीव पर कब्जे का मंसूबा पूरा नहीं हो पा रहा है। कीव पर रूसी फौज हर रोज कहर बरसा रही है। आलम यह है कि शहर के कई हिस्सों से रूसी बमबारी के बाद काले धुएं का गुबार उठता दिख रहा है, कुछ इस कदर कि क्षितिज पर ठहरा सूरज भी इसके पीछे छिपा नजर आता है। आज की तारीख में यूक्रेन की राजधानी कीव एक शहर कम और एक किला ज्यादा नजर आ रहा है, एक ऐसा किला जिसे ढहाने में अभी तक रूसी फौज नाकाम रही है। भले ही रूसी सेना ने कीव को तीन तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन यूक्रेन की फौज ने भी शहर में अपनी मोर्चाबंदी के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। शहर की सड़कों, चौराहों और गलियों में चारों तरफ बंकर और उनमें मुस्तैदी से कीव की हिफाजत में तैनात यूक्रेन के फौजी नजर आ रहे हैं।